दोस्तों DJI Mini 3 हमारे पास में है, ये रहा इसका RC। और दोस्तों सनसेट हो चुका है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अंधेरा हो चुका है, होने में है। और DJI Mini 3 का नाइट शूट भी लेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये कितनी दूर तक फ्लाई कर सकता है, बैटरी है हमारी 98% और ये कितनी दूर तक फ्लाई कर सकता है, आज इसको उतनी दूर तक फ्लाई करने वाले हैं, यानी कि इसकी रेंज टेस्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं इसकी रेंज की टेस्टिंग। 6000 मीटर की टेस्टिंग के लिए हम इसको टेक ऑफ कर लेते हैं। हमने टेक ऑफ कर लिया है, हमारा एयरक्राफ्ट थोड़ी हाइट पर 1.5 मीटर की हाइट तक, 1 मीटर की हाइट तक पहुंच गया है। हम इसको दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा हाइट पर लेके जाते हैं ताकि कोई भी ऑब्स्टिकल रास्ते में ना आए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम इसको स्पोर्ट्स मोड में फ्लाई कर रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है एस मोड लिखा हुआ आ रहा है, स्पोर्ट्स मोड में फ्लाई कर रहे हैं। और अभी हमारा बैटरी परसेंटेज वो है दोस्तों 95%। इसकी रेंज को हम इसकी जो है एल्टीट्यूड को बढ़ा देते हैं और इसको दोस्तों 100-125 मीटर की हाइट तक हम इसको ले लेते हैं ताकि कोई भी ऑब्स्टिकल इसके बीच में ना आए और हम स्पोर्ट्स मोड में बिना किसी ऑब्स्टिकल के फ्लाई कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस भी चल रही है और हाइट भी चल रही है, और यहाँ पर 200 मीटर की डिस्टेंस को हम पार कर चुके हैं, रेंज 200 मीटर को पार कर चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों 250 मीटर 300 मीटर के पास पहुँचने वाले हैं, 300 मीटर को भी हमने पार कर लिया है। और हाइट दोस्तों 95 मीटर 100 मीटर को भी क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों 400 मीटर की डिस्टेंस को हम पार कर चुके हैं और जो 120 मीटर की जो वार्निंग होती है वो वार्निंग आ गई है। दोस्तों यहाँ पर 136 मीटर की हाइट पर हमने, कांस्टेंट हाइट पर हमने इसको रख लिया है और 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम चल रहे हैं। और होम पॉइंट को हम अपडेट कर लेते हैं ताकि अगर बैटरी बहुत क्रिटिकली लो हो जाए तो ये ऑटो रिटर्न टू होम आ सके। जहाँ पर हम हैं वहीं पर इसका होम पॉइंट अपडेट कर लेते हैं। दोस्तों इसकी डिस्टेंस हो गई है, अभी जैसे होम पॉइंट अपडेट हो रहा है फिर भी ये आगे चल रहा है एयरक्राफ्ट, तो 800-900 मीटर की हाइट डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं, 900 मीटर की डिस्टेंस को भी पार कर चुके हैं और 950 मीटर की डिस्टेंस हमने पार कर ली है, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों बैटरी परसेंटेज की बात करें तो अभी भी 82% बैटरी यहां पर बची हुई है। RC के सिग्नल दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और सेटेलाइट सिग्नल भी दोस्तों 26 हैं। स्पीड दोस्तों 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये फ्लाई कर रहा है। 1200 मीटर की डिस्टेंस को हम पार कर चुके हैं, 1250 की डिस्टेंस को भी हम पार कर चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों 1300 मीटर की डिस्टेंस पार कर ली है हमने, स्पोर्ट्स मोड में फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी RC के सिग्नल में कोई इफेक्ट नहीं है। RC के सिग्नल दोस्तों हल्के से कम हुए हैं, RC के सिग्नल में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी दोस्तों वापस RC के सिग्नल फुल कम हो रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने डिस्टेंस कवर की है 1500 मीटर की डिस्टेंस दोस्तों हम कवर कर चुके हैं। दोस्तों 1600 मीटर की डिस्टेंस भी हमने कवर कर ली है, लेकिन दोस्तों RC के सिग्नल येलो हो रहे हैं, यानी कि थोड़े से सिग्नल वीक हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अभी दोस्तों अगर डिस्टेंस की बात करें तो 1700 मीटर की डिस्टेंस हमने कवर करी है और हमें 6000 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। दोस्तों अभी RC के सिग्नल बहुत वीक हो गए हैं RC के सिग्नल, लेकिन फिर भी हम फ्लाई करेंगे इसको 6000 मीटर तक। अभी RC के सिग्नल वापस से स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, RC के सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, 2000 मीटर को हम क्रॉस करने वाले हैं और 2000 मीटर को हमने क्रॉस कर लिया है। हम उस तालाब को पार करके खेतों के बीच में चले गए हैं। दोस्तों सैटेलाइट सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई इशू नहीं है, लेकिन RC का सिग्नल थोड़ा सा कम हुआ है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2200 मीटर की डिस्टेंस हम पार कर चुके हैं, 2200 मीटर की रेंज को हम पार कर चुके हैं और स्पीड है दोस्तों 12-12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हैं। 2400 मीटर 2500 मीटर तक को भी हम पार कर लेंगे बहुत जल्दी। 2500 मीटर की डिस्टेंस दोस्तों हमने पार कर ली है। दोस्तों 2600 मीटर 2700 मीटर की डिस्टेंस 2700 मीटर की डिस्टेंस हमने दोस्तों पार कर ली है। यहाँ पर बैटरी अभी भी मोर देन 50% है यहाँ पे।
दोस्तों 2900 मीटर की डिस्टेंस को हम पार करने वाले हैं। एयरक्राफ्ट की दोस्तों स्पीड देखिए 12.8 मीटर पर सेकेंड हो गई है, मतलब स्पीड बढ़ गई है। 2900 मीटर की डिस्टेंस पार करके फाइनली हम दोस्तों 3000 मीटर को हम पार कर चुके हैं। 3000 मीटर को हम पार कर चुके हैं। आरसी के सिग्नल थोड़े से कम हुए थे लेकिन फिर भी कोई इशू नहीं है, आरसी के सिग्नल में कोई इशू नहीं है। दोस्तों हम 3100 मीटर 3200 मीटर की डिस्टेंस भी पार कर चुके हैं। 6000 मीटर की लिमिट पुश करने का आज हमने वो ट्राई करने वाले हैं। बैटरी दोस्तों इसके अंदर जो लगी है वो 38 मिनट की बैटरी लगी है और बैटरी लेवल भी थोड़ा सा दोस्तों लो दिखाई दे रहा है मुझे अब, लेकिन फिर भी अभी 50% बैटरी लो। बैटरी रिटर्न टू होम, एयरक्राफ्ट रिटर्न टू होम आफ्टर काउंटडाउन, कंटिन्यू ऑपरेटिंग रिमोट कंट्रोल टू हेल्प द एयरक्राफ्ट अवॉइड ऑब्स्टेकल। दोस्तों ये ऑटोमेटिक रिटर्न टू होम हो रहा है 3576 मीटर के बाद में, 3576 मीटर के बाद ये ऑटो रिटर्न हो रहा है। दोस्तों ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई? अभी बैटरी परसेंटेज दोस्तों 48% है, आरसी के सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग है, सैटेलाइट सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी दोस्तों ये 3527 मीटर के बाद में रिटर्न क्यों हो रहा है? ये दोस्तों बैटरी परसेंटेज अभी काफी था फिर भी ये ऑटो रिटर्न टू होम हो रहा है। दोस्तों ये ऑटो रिटर्न टू होम हो रहा है वापस से, बैटरी परसेंटेज 47 है और जो गया था जिस स्पीड से उस स्पीड से कम स्पीड से ये फ्लाई कर रहा है, 10.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये फ्लाई कर रहा है स्पोर्ट्स मोड में। 3100 मीटर तक और डिस्टेंस इसको ट्रैवल करनी है, लेकिन दोस्तों हम इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं क्योंकि लास्ट तक देखते हैं। दोस्तों एक और ट्राई करना है कि जितने परसेंटेज में बैटरी वहां पहुंची थी तो 50% होकर ये ऑटो रिटर्न टू होम हुआ है, तो क्या इसको वापस एयरक्राफ्ट को अपनी होम पॉइंट लोकेशन पर आने में भी इतनी ही बैटरी खर्च होती है या फिर बैटरी बच जाती है दोस्तों? और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर बैटरी बच जाती है तो दोस्तों कितनी बैटरी बचती है और ये आगे लिमिट को पुश क्यों नहीं किया इसने। दोस्तों अब डिस्टेंस कवर करनी है इसको 1030 मीटर की, और दोस्तों अभी भी बैटरी का परसेंटेज देखा जाए तो 36% बैटरी अभी बची हुई है और 135 मीटर की हाइट कांस्टेंट है, फिर भी दोस्तों ये 10.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, अभी भी चल रहा है बैटरी। दोस्तों अभी भी 36% है, देखना ये होगा कि क्या ये जब अपनी होम पॉइंट लोकेशन पर आ जाएगा उसके बाद भी इसमें बैटरी बची रहेगी या नहीं। दोस्तों 700 मीटर की डिस्टेंस और हैं और हमने थोड़ा सा जूम कर लिया है, क्या हम दिखाई दे रहे हैं इसमें? दोस्तों 580 मीटर की डिस्टेंस और बची हुई है, 500 मीटर की डिस्टेंस लगभग यहां पर बची हुई है। बैटरी का परसेंटेज देखने वाला है दोस्तों 34% की बैटरी अभी भी यहां पर बची हुई है। आरसी के सिग्नल स्ट्रॉन्ग है नो डाउट और सैटेलाइट सिग्नल में कोई इशू नहीं है। दोस्तों अभी भी 350 मीटर की डिस्टेंस है, 33% बैटरी बची हुई है, काफ़ी ज़्यादा बैटरी अभी तक बची हुई है, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये इतना जल्दी रिटर्न टू होम हो जाएगा ये हमने नहीं सोचा था, हम इसको 6000 मीटर की लिमिट को पुश करने वाले थे। लेकिन एक बार फिर से दोस्तों ट्राई करेंगे और इस बार कम हाइट पर ट्राई करेंगे ताकि हो सकता है कि हाइट को देखकर इसने वापस रिटर्न टू होम किया हो। तो दोस्तों 58 मीटर की डिस्टेंस पर हैं हमसे और हमने
ये रिटर्न टू होम हो रहा है ऑटोमेटिक दोस्तों। ये हमारे एग्जैक्ट ऊपर आ चुका है और अब हम इसको लैंडिंग करवा देते हैं। तो ये लैंड हो रहा है। हाइट दोस्तों इसकी 127 मीटर और बची हुई है। तो दोस्तों इस टाइप से हमने देखा कि ये हमारे पास पहुंचने में है, लेकिन फिर भी 30% की बैटरी यहाँ पर बची हुई है, 29% की बैटरी यहाँ पर 29% की बैटरी बची हुई है। तो दोस्तों 29% में हम इसको 2000 मीटर की डिस्टेंस और कवर कर सकते थे, यानी कि 5000 मीटर तक हम 38 मिनट में कर सकते थे कवर 38 मिनट की बैटरी में। लेकिन दोस्तों फिर भी ये नहीं पुश कर पाया है अपनी लिमिट और ये ऑटो रिटर्न टू होम क्यों हुआ नहीं पता। अगली बार एक बार फिर ट्राई करेंगे, लेकिन इस बार हाइट को थोड़ा सा कम रख के हम ट्राई करेंगे और किसी हाइट वाली जगह से इसको फ्लाई करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही और चैलेंज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।